नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ग्यारसपुर क्षेत्र के एक पुजारी जितेंद्र शर्मा अपनी पीड़ा लेकर एसपी के पास पहुंचे। युवा ब्राह्मण विकास परिषद के पदाधिकारियों के साथ ज्ञापन के जरिए न्याय की गुहार लगाई गई। बताया जा रहा है कि गांव में एक परिवार पुजारी और उसके परिवार को एक्टिरोसिटी एक्ट लगाने की धमकी दे रहा है। यदि जल्द उक्त परिवार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई और झूठा एक्टिरोसिटी एक्ट पुजारी परिवार पर लगाया जाता है तो पुजारी परिवार आत्मदाह कर लेगा। सर, ऐसा मामला है, एक हरिजन परिवार का एक बंदा दारू पीकर गाली गलौज करता है और हमारे घर में लोड़ा पत्थर गेट में लात, सुबह शाम 5 बजे से स्टार्ट हुआ तो रात के 1 बजे तक उसने जग नहीं ली। सारी रात गाली गलौज करते रहा और बोलना तुम्हारी माँ का चोर, तुम्हारी बहन का चोर। माननीय एसपी महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा जिससे कि इस परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और ये परिवार आराम से अपने गांव में सम्मान के साथ रह सके। एसपी महोदय से हम सभी यह मांग करेंगे, निश्चित रूप से एसपी महोदय इसमें कार्रवाई करेंगे और यदि कार्रवाई नहीं की गई तो ब्राह्मण समाज पूरे जिले भर में हमारे समाज के एक गरीब व्यक्ति को सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए आंदोलन करने के लिए भी बाध्य रहेगा। विजय रघुवंशी के साथ राहुल रघुवंशी की रिपोर्ट।